आजादी का अमृत महोत्सव है, अमृत काल है। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। इन भाषणों से पहले कुछ तस्वीर देखिए। अब आप ये देखिए, एक तरफ हर घर तिरंगा का नारा था, दूसरी ओर ओडिशा के आदिवासियों का घर जलाया जा रहा था, उनके खेतों को तबाह किया जा रहा था। एक तरफ राजस्थान के एक स्कूल में दलित छात्र को शिक्षक ने इसलिए पीट दिया क्योंकि उसने शिक्षक के मटके से पानी पीने की गुस्ताखी की थी। छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आजादी के अमृत महोत्सव से पहले भारत को द्रौपदी मुर्मू के रूप में पहली आदिवासी राष्ट्रपति तो मिल गई, लेकिन क्या आदिवासियों को इस अमृत कलश से कुछ मिल सका? सवाल है कि भारत की आजादी के 75 सालों में दलित और आदिवासी समुदाय को क्या हासिल हुआ, कितना हासिल हुआ, और अगर कथित अमृत काल में दलितों आदिवासियों को छुआछूत और भेदभाव का विष पीना पड़ेगा तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे। नवरंगपुर और जालौर की घटनाएं अपने आप में अलहदा नहीं है। दरअसल आदिवासी और दलित रोज सताए जा रहे हैं और इन पर जुल्म बढ़ रहा है। भारत की कुल आबादी का 8.6% यानी लगभग 10 करोड़ का हिस्सा आदिवासियों का है। भारतीय संविधान में आदिवासी समाज के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के भारत के संदर्भ में वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन राइट्स द्वारा साल 2012 में जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आजादी के बाद से लगभग 6.5 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज्यादा है। ये रिपोर्ट दर्शाती है कि कुल विस्थापितों में से लगभग 40% यानी करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समुदाय से हैं। मतलब आदिवासियों की कुल आबादी का लगभग 1/4 यानी 25% अब तक विस्थापित हो चुका है। 2019 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट ट्राइबल हेल्थ ऑफ इंडिया में बताया गया था कि 2001 की जनगणना में जिन गांव में 100% आदिवासी थे, वहीं 2011 की जनगणना में इन आदिवासियों की संख्या 32% कम हो गई। जी हां, 32% कम। रिपोर्ट में आदिवासियों के पलायन के लिए मुख्य रूप से आजीविका के संकट को जिम्मेदार माना गया है। साल 2001 और 2011 की जनगणना के बीच 10% आदिवासी किसान कम हो गए, जबकि खेतियर मजदूरों की संख्या में 9% का इजाफा हुआ। वैसे तो हर पार्टी के नेता दलितों और आदिवासियों का हितैषी होने का दावा करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि दलितों और आदिवासियों की नौकरियां कम हो रही हैं। सच ये है कि 6 साल में करीब 5 लाख आरक्षित नौकरियां घट गई हैं। जी हां, करीब 5 लाख नौकरियां घट गई। 2014-15 में आरक्षित वर्ग के करीब 14 लाख लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में थे, 2020-21 में रह गए सिर्फ 9 लाख। ये सही है, सरकारी नौकरियां सबके लिए कम हो रही हैं, लेकिन सबल वर्गों के लोगों की जान पहचान और पैरवी के बल पर निजी क्षेत्र में भी नौकरियां मिल जाती हैं और घर से संपन्न होने के कारण वो कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन दलित पिछड़े आदिवासियों को अगर सरकारी नौकरी का सहारा ना हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। जुलाई 2022 में संसद में प्रधानमंत्री से पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया गया कि केवल 10 विभागों में 1 जनवरी 2021 तक आरक्षित 85,777 पदों में से 62% यानी 53,000 के करीब पद नहीं भरे गए थे। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक केंद्रीय सरकार के तमाम मंत्रालयों और विभागों में अलग अलग पदों पर साल 2014-15 में जहां 2,28,258 आदिवासी समाज के लोग नौकरी पर थे, वहीं साल 2020-21 में सिर्फ 1,47,953 आदिवासी समाज के लोग नौकरी में बचे। मतलब 7 सालों में 80,305 पद खाली हो गए या कम हो गए। वहीं दलित समाज की बात करें तो साल 2014-15 में केंद्रीय सेवाओं में करीब 5 लाख व्यक्ति कार्यरत थे, लेकिन साल 2020-21 में ये घटकर करीब 3,36,000 रह गए। मतलब 7 साल में केंद्र सरकार की नौकरी में दलित समाज के 1,81,000 लोग कम हो गए।
अब आते हैं दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध पर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में साल 2017 में एक हमला हुआ था जिसमें करीब 25 सैनिक मारे गए थे। उस हमले के नाम पर 121 आदिवासियों को बेगुनाह होते हुए भी 5 साल जेल में रहना पड़ा। आखिरकार 17 जुलाई को एनआईए की एक स्पेशल कोर्ट ने 121 आदिवासियों को बरी कर दिया। 5 साल बाद बरी हुए। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक साल 2018 और 2020 के बीच आदिवासियों के खिलाफ अपराध में 26% की बढ़ोतरी हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक ST के खिलाफ 2018 में 6528, 2019 में 7570 और 2020 में 8272 अत्याचार के मामले दर्ज किए गए हैं। अब अगर दलित समाज की बात करें तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में बताया है कि साल 2018 में दलितों पर अत्याचार के करीब 42,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे, जबकि 2019 में 45,900 से ज्यादा मामले सामने आए और 2020 में ये और बढ़ा और ये आंकड़े बढ़कर 50,291 हो गए। अमृतकाल में भी दलित और आदिवासी यानी करीब 1/4 आबादी विष पीने को मजबूर होगा तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे।